सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर इस चैनल पर विज़िट करने के लिए, यहाँ मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो आज का व्लॉग जो है वो भी काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज मैं आया हूँ भोपाल के डीवी सिटी मॉल में। ओके, तो आज हम मॉल के अंदर चलेंगे और देखते हैं क्या कुछ शॉपिंग वगैरह रहती है, या अंदर से भी देखते हैं। काफ़ी बहुत बड़ा है ये, और इस तरह से भी बता दूँ आपको कि इसकी इनाग्रेशन जो थी वो सलमान खान ने की थी। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा है ये। ठीक है, कितना बड़ा है शायद अभी आपको मैं बाहर से इसका आउटर साइड दिखाऊं। ये तो एक साइड है इसकी, तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं मॉल को, और देखते हैं कैसा कुछ सफ़र रहता है। साथ में जुड़े रहे हैं आप, चलिए। ये पार्किंग की जगह साइड पर जितने भी आपको दिख रही है, यह सेंटर होती है वहाँ आप जा सकते हैं। यहाँ पर आने के लिए आप स्पेशल करके भी आ सकते हैं और बिना स्पेशल किए भी आ सकते हैं। ठीक है, मैं तो जहाँ भी जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ बिना स्पेशल किए ही मैं जो ट्रैवल कर रहा हूँ वो गवर्नमेंट बसेस पर ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, ये रहा हमारा एंट्रेंस गेट, यहाँ से हम करेंगे एंट्री। यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह अंदर। चलिए, सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर पर चलेंगे, सब कुछ देखेंगे। ये है, देखा करूँगा बैग्स वगैरह। ये है मॉल, यहाँ पर लेटेस्ट सूट जो वो ले सकते हैं, और सारे ब्रांड्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, लेडीज़ जेंट्स सबके यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, और काफ़ी डिस्काउंट भी चल रहा है उसकी तरफ। यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट भी मिलेगा, सामने मेरे पास लिफ्ट है उससे ऊपर जा सकते हैं। और चलिए, यहाँ इसमें जूते ये हैं मेट्रो के, सारे ब्रांड है यहाँ पर। परफ्यूम्स वगैरह भी यहाँ लगी हुई हैं। यहाँ पे लड़कियों का सामान, यहाँ पे कैल्विन जींस वगैरह वो चलते हैं। काफ़ी लंबा होने वाला है क्योंकि पूरे मॉल में हम घूमेंगे ना। ग्राउंड, ये तो फर्स्ट फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर पे हमें नीचे जाना है अभी। ओके, तो चलिए एस्केलेटर पे चलते हैं नीचे। पहले चलते हैं नीचे, ठीक है, और फिर नीचे नीचे से होकर फिर हम चलेंगे ऊपर। चलिए, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर हम पहुँच गए। ओके, तो सबसे पहले हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते किस तरह से सजाया हुआ, छोटे बच्चों की गाड़ियाँ, शूज़, बहुत सारी यहाँ पर अब वैरायटीज ऑफ थिंग्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। काफ़ी लंबा, काफ़ी बड़ा, छोटे बच्चों के लिए सामान यहाँ पर, कपड़े वगैरह, जूते, गाड़ियाँ। यहाँ पर ये स्टोर है, स्मार्ट बाजार है ये सारा। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ, मतलब जो चीज़ आपको अलग अलग दुकानों से मिलती है वो यहाँ इस मॉल के अंदर आपको हर चीज़ मिलेगी, छोटी से लेकर बड़ी तक। ठीक है, हर कुछ मिलेगा आपको यहाँ। ओके, चलिए यहाँ से वापस चलते हैं। देखते हैं अब क्या है नीचे। अच्छा, वहाँ से एंट्री हो रही है। ठीक है, अभी हम यहाँ से नीचे से होकर फिर दोबारा ऊपर चलेंगे और सबसे टॉप पर चलेंगे, देखते हैं।
ये तो नीचे जो गाड़ियों की पार्किंग है उसके लिए, ठीक है, बट अब हमें चलना है ऊपर। ये रही लिफ्ट, लिफ्ट से भी आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, बट हम अभी इसके लिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे, इसी से ही चलेंगे ऊपर। चलिए, ये बैग्स वगैरह अपने सकते हैं। स्मार्ट बाजार से हम होके आ गए हैं, इस तरह भी दिखा दूँ, सारी मार्केट आपको दिखेगी है। ओके, आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ आप छोटे बच्चों को ला सकते हैं, बैठा सकते हैं, वो घूम सकते हैं इसमें, बट हमें तो कहीं बैठना नहीं है। चलिए, ये रहा सारा खूबसूरती का सामान। यहाँ पर कुछ चीज़ें सेल की लगी हुई हैं, आपको टी शर्ट्स वगैरह देख सकते हो सेल। टॉमी हिलफिगर, ये रहा आइकॉनिक का स्टोर। चलिए अब चलते हैं यहाँ से ऊपर। ये रहा प्यूमा का पार्क एवेन्यू का, मैक्सिमम जितने भी टॉप के जो शोरूम हैं, जो ब्रांड हैं, वो सारे इसमें कवर हैं। तो बहुत सारे शोरूम आप इसी मॉल के अंदर आपको दिखेंगे, स्मार्ट स्टोर दिखेगा आपको। उसके बाद अगर आप ऑनलाइन जो डिमांड करते हो, ऑनलाइन जो ऑर्डर करते हो आप, वो भी आपको इन स्टोर से आपके घर तक चीज़ें पहुँचती हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन रजिस्टर्ड स्टोर है, सेल तो बहुत सही लगी हुई है, बहुत जगहों पे सेल लगी हुई है, बट वो हम बाद में देखेंगे। ये रहा लिफ्ट का रास्ता, लिफ्ट से आप आ सकते हैं। एसिक्स का ब्रांड रनिंग स्पोर्ट्स में। पोलो का ब्रांड है सामने। स्पाइकर्स,
का शोरूम है यहाँ साथ में, डीपी जींस का है साथ में। लोटो का अभी हम नीचे चलेंगे, चलना टॉप पर। अब यहाँ से इसके पीछे वाली साइड है, हम चलेंगे। इसके ऊपर है रेस्टोरेंट जहाँ पे आप खाने वगैरह के लिए जा सकते हैं, और यहीं इसके ऊपर लास्ट है। बिल्कुल सीधा चलेंगे बाहर। थोड़ा सा यहाँ से आपको नीचे का एरिया दिखा दूँ। ओके, इसके मैं चौथे माले पर हूँ। ओके, बस अब इसके लास्ट एक ही रहा है, वो चलेंगे। से भी दिखा दूं। इस सामने अब रहा हमारा लास्ट का पांचवा माल, सबसे ऊपर का, वहाँ चलेंगे और फिर वहाँ से फिर देखते हैं हमने आगे नेक्स्ट क्या करना है। वहाँ पहुँच गए या कुछ शॉपिंग वगैरह भी करनी है तो देखेंगे। चलिए, ये रहे हमारी लास्ट एस्केलेटर। नहीं यार, अभी इससे ऊपर और भी है, मैंने कहा तो था आपको, ये बहुत बड़ा है। ये स्ट्रीट फूड्स बाय पंजाब ग्रिल। ओके नाइस, खाना तो हमारा बाहर हो चुका है। यहाँ पाँच का वो 500 की चाय थोड़ी भी नहीं है, है ना। हम नहीं करेंगे खाना वगैरह, चाय वगैरह बाहर हमने किए। तो अभी इसके ऊपर है सिनेमा हॉल, तो वहाँ तक चलेंगे। काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ और ये रहा इसका लास्ट मोमेंट से। ओके, चलिए वापस चलते हैं। इस
बच्चों के लिए गेम्स। ये वो गेम जो आप अपने फ़ोन में खेलते हो, जुरैसिक पार्क। यहाँ पर अच्छे से फील कर सकते हैं। यहाँ पर वो सामने पर रेस्टोरेंट है, ओके, और सिनेमा हॉल भी है साथ में ऊपर ये साइड। और यहाँ से हम चलिए वापस चलते नीचे। ये सब कुछ था जो आपने देखा, जो तुमने देखा यार, पूरा इसके चारों तरफ गया हूँ मैं, सभी जगह गया हूँ, सभी जगह आपको दिखाई है। ये सब कुछ इसके अंदर से था, ठीक है, बाहर से भी आपको मैंने दिखा दिया। तो ये भोपाल सिटी के बिल्कुल करीब ही पड़ता, ज़्यादा दूर नहीं है। अब हम देख रहे हैं बाहर का रास्ता, चलते हैं बाहर और यहीं तक ही रखेंगे अपनी इस वीडियो को। ये रहा हमारा एग्जिट गेट, तो इससे आगे भी काफ़ी अंदर भी है, उस तरफ हम नीचे नहीं गए। तो आज के लिए आज तक का जो सफ़र था वो इतना ही था हमारा, ओके। मैं बाहर आ चुका हूँ, तो मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, फिर से एक नए टॉपिक के साथ। अभी तक के लिए रखते हैं, इतना ही, बाय।